हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बलराम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के बारे में, जैसे कि अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज होने वाली है तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं अलॉटमेंट लिस्ट। जैसे कि आपको पता है कि अभी काउंसलिंग प्रोसीजर चल रही है ऑल इंडिया कोटा और आयुष काउंसलिंग, स्टेट आयुष काउंसलिंग की, तो अभी जो सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल आया तो वो बहुत ही डिले कर दिया गया है, जो कि 15 मार्च से स्टार्ट होनी है सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसमें आप देख पाएंगे। उस पर एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है तो वो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहुत ही लेट हो चुका है, लेकिन अभी जो सेकंड राउंड और इंडिया कोटा का चल रहा है, जैसे कि अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज होने वाली है तो वो भी हम देखने वाले हैं कब तक होगी। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कैसे देख सकते हैं अलॉटमेंट लिस्ट, वो भी हम देखने वाले हैं। तो बहुत से बच्चों ने स्टेट और बाहर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनने अप्लाई किया हुआ है ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के लिए, तो इसमें लिस्ट कैसे देखेंगे वो भी हम दिखाने वाले हैं। तो आप एमपी आयुष ऑनलाइन जो एमपी आयुष की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां आप विजिट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊपर तो आप देख पा रहे हो स्टेट जो काउंसलिंग होती है उसकी ये वेबसाइट है, और आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट आयुष नीट यूजी काउंसलिंग 2021 BMS BHMS BOS, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, काउंसलिंग शेड्यूल, सीट चार्ट, स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहले काउंसलिंग शेड्यूल देखते हैं। तो शेड्यूल हम देखें तो सेकेंड राउंड का हम देखने वाले हैं। तो शेड्यूल आपके सामने देख पा रहे होंगे, पंजीयन, तो पंजीयन हुआ था 25/2/2022 से 26/2/2022, दो दिन का समय मिला था। बात करें हम सीट आवंटन की, अलॉटमेंट लिस्ट की, तो सीट आवंटन 4/3/2022 को सीट अलॉटमेंट रिलीज होनी है, जो कि आज 4 तारीख है, 4 मार्च, तो आज अलॉटमेंट लिस्ट आपकी आ जाएगी। जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था, चॉइस फिलिंग की हुई थी ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की, तो उनकी आप देख पाएंगे सभी को एक कॉलेज अलॉट होगा और उसमें देख पाएंगे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो इसके लिए आपको रेगुलर वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज होगी हम वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आते हैं हम सभी आपको देते रहते हैं, आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कैसे आप अच्छा करियर बना सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़कर, सभी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो ये हमने देखा काउंसलिंग शेड्यूल, तो काउंसलिंग शेड्यूल तो आपने देख लिया, और अभी आप अलॉटमेंट लिस्ट जब भी रिलीज होगी तो कैसे देखेंगे, तो आप देख पा रहे हैं अलॉटमेंट लिस्ट, तो सिंपली इस पर क्लिक करनी है। तो इसमें देख पाएंगे आप फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लिस्ट ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो इसमें केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही अलॉट किए जा रहे हैं ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में। तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लिस्ट आप देख पाएंगे, और यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग रैंक देख पाएंगे, और अभी सेकंड राउंड का काउंसल अलॉटमेंट लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है, यहाँ पे अपडेट नहीं है, कुछ समय बाद यहाँ हो सकता है कि अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे शो होने लगे। तो वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो कुछ समय बाद आपको अलॉटमेंट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हमने देखा कि कैसे आप अलॉटमेंट लिस्ट चेक कर सकते हैं, कब अलॉटमेंट लिस्ट आनी है, तो आज ही अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ।